नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। 500 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद प्रभु श्री राम अपनी जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान हुए उस भव्य राम मंदिर में, और पहली बार उसके बाद दीपावली दीपोत्सव त्योहार मनाया जा रहा है। अयोध्या नगरी आज जो प्रतीक्षा कर रही है वो कितनी सुंदर है वो आप यहाँ के वासियों की आंखों में देख सकते हैं, उनके दिलों में झांक कर देख सकते हैं। इस समय योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अयोध्या नगरी पहुंच चुके हैं, और अब हर वर्ष जो आप दीपोत्सव में, यानी कि 8 साल हुए हैं, 8वां दीपोत्सव है ये, हर वर्ष जो आप देखते हैं कि पुष्पक विमान आता है, राम जी सीता जी लक्ष्मण जी पधारते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वागत करते हैं उनका, आरती करते हैं, तो अभी भी अगर आप देखेंगे तो वहां स्मोक कैंडल जलता हुआ आपको दिखेगा जो इस जगह को चिन्हित कर रहा है कि कहां पर लैंड करना है, और आसमान में विचरता हुआ वो हेलीकॉप्टर रूपी पुष्पक विमान आप देख सकते हैं। तो आज दीपोत्सव का जब आयोजन यहां पर हो रहा है तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष है, क्योंकि सबसे पहले तो ये बात जैसे मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कही थी कि 500 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद ऐसा हो रहा है। दूसरा ये कि यहां पर आज 28 लाख दीप प्रज्वलित किए जाएंगे, 28 लाख दीप रिकॉर्ड है, जो लक्ष्य है वो 25 लाख दीपों का है, लेकिन 28 लाख दीप प्रज्वलित किए जाएंगे, और उसके साथ ही 1100 दीपों के साथ 1100 जो वेदाचार्य हैं वो आरती करेंगे। ये दो रिकॉर्ड आज यहां पर, दो कीर्तिमान यहां पर स्थापित किए जाएंगे। अब से कुछ देर में आप वो तस्वीरें देखना प्रारंभ कर देंगे जहां पर योगी जी स्वागत करेंगे राम जी सीता जी और लक्ष्मण जी का। सांकेतिक रूप से ये कि पुष्पक विमान में सवार होकर वो यहाँ पर पहुंचते हैं। हमारे साथ कुमार अभिषेक रामकथा पार्क से और राम की पैड़ी से समर्थ श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं, दोनों के पास हम जल्दी जल्दी आपको लिए चलते हैं। ये तस्वीरें भी साथ साथ में यहाँ पर आती रहेंगी। अभिषेक, आज योगी जी भी हैं, साथ में गजेंद्र शेखावत भी हैं जो यहाँ पर आज इस विशेष कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे, लेकिन ये जरूर है कि आज के दिन उस राजनीति को भुलाकर और केवल अयोध्या में जो एक परंपरा उन्होंने प्रारंभ की है उसको याद करने की बारी आ जाती है। बिल्कुल श्वेता, 2017 से अनवरत हम लोग देख रहे हैं कि जब मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तब उन्होंने इस परंपरा की शुरुआत की, और आज मैं कह सकता हूं कि ये परंपरा कम से कम अपने उत्कर्ष पर पहुंच रही है। यानी कि जब मंदिर निर्माण हो गया, राम, भगवान राम उसमें विराज गए, उसके बाद आज ये पहली दिवाली है। आपने भी लगातार इस बात का जिक्र किया है, इसलिए इस बार की दिवाली के पहले का जो दीपोत्सव है वो बेहद खास है। देखिए, बहुत सारे कार्यक्रम हैं जो हर साल हो रहे हैं, मसलन जैसे दीपोत्सव होता है, लेकिन हर बार रिकॉर्ड बनते हैं। मेरे पीछे जो मंच इस वक्त आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर भी हर साल भगवान राम सीता और लक्ष्मण आते हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके पांव पखारते हैं, उनकी आरती करते हैं, और उसके बाद इसी मंच पर 6 देशों से आने वाले जो रामलीला के कलाकार हैं वो मंचन करते हैं। इसके अलावा लेजर शो दिखता है, लेकिन एक खास बात है जिसका जिक्र आपने किया, तकरीबन 1100 वेदाचार्यों के द्वारा ये पहली बार जो आरती हो रही है, आरती हर बार होती है लेकिन इस बार बहुत भव्य आरती है। इस बार हजारों दिए जो हैं वो राम मंदिर में जलाए जाने हैं, और ये पहली बार होगा जब इस तरीके से दीपोत्सव होने जा रहा है। हालांकि जिस दिन भगवान राम का विराजे थे इस मंदिर में, उस दिन भी एक तरीके का दीपोत्सव हुआ था, लेकिन आज खास है। गजेंद्र शेखावत मुख्यमंत्री के साथ साथ रहेंगे, दोनों डिप्टी सीएम पहुंच चुके हैं, और ये रंगारंग कार्यक्रम आपको अभी से लेकर के दीपोत्सव तक अगले कुछ घंटों तक दिखेगा, और उसके बाद पूरे अयोध्या की जो छटा है वो दिखाई देगी। अभिषेक, हम वो हेलीकॉप्टर्स भी दिखाते हैं जो हम पुष्पक विमान रूपी हेलीकॉप्टर्स कह रहे हैं, और ये पुष्प वर्षा भी इन हेलीकॉप्टर्स के साथ किया जाता है। यहाँ पर अलग अलग घाटों पर राम जी सीता जी यहाँ पर आते हैं तो उनके ऊपर भी वो रहता है, और साथ में जो लोग यहाँ पर आते हैं देखने के लिए, साक्षी बनने के लिए इस महोत्सव का, इस दीपोत्सव का, उन सब पर भी पुष्प वर्षा होती है। लेकिन ये वो विमान, आप विमान को चक्कर लगाते हुए आसमान में भी देख रहे थे ताकि पूरी व्यवस्था देख ली जाए, सही है, और स्मोक कैंडल से जो जगह चिन्हित हुई उसके साथ अब ये जो विमान है वो यहाँ पर लैंड कर रहा है। योगी जी यहीं पर स्वागत करेंगे, साथ में गजेंद्र सिंह शेखावत भी स्वागत करेंगे, और जैसे ही ये दृश्य हमारी आंखों के सामने होगा, हम साथ साथ में अपने दर्शकों को भी दिखाते रहेंगे।
ये दृश्य हम दिखाते रहे और उसके साथ समर्थ हम आपसे भी जान लेना चाहते हैं कि असल में पहला साल मुझे याद है 1 लाख, फिर 2 लाख, 3 लाख करते करते देखिए 28 लाख की बारी आ गई है और अब तो मुझे पूरी नगरी में कोई ऐसी जगह नहीं दिखती जहां पर दीप नहीं रखे हो प्रज्वलित करने के लिए। इस बार भी ऐसा है, घरों में, छतों में, हर जगह पर दीप ही दीप। बिल्कुल श्वेता, अयोध्या का एक इतिहास है जो श्री रामचंद्र से जुड़ा है, इसकी पौराणिकता पर दीपोत्सव ने 4 चांद लगाए हैं और इस वक्त आज तक जो तस्वीर दिखाएगा वो टॉप व्यू से एक ऐसी एक्सक्लूसिव तस्वीर है जिसे देखकर जो दर्शक हैं और जो भक्त हैं वो शायद मुस्कुराएंगे। अगली तस्वीर आपको देखिए, यहाँ पर किस तरह से राम की पैड़ी के एक टॉप व्यू की तस्वीर हम आपको यहाँ से दिखा रहे हैं, किस कदर खूबसूरती से दिए यहाँ पर बिछाए गए हैं, इनमें बाती भी लगाई गई है, जो अंतिम प्रक्रिया है वो इस वक्त चल रही है। तमाम वॉलंटियर्स हैं, 30,000 के ऊपर वॉलंटियर्स हैं जो इस काम में लगे हैं। सामने आपको सरयू घाट भी नजर आ रही है जिसके इर्द गिर्द जो दीपों का किस तरह से श्रृंखलाबद्ध तरीके से लगाए गए हैं वो नजारे भी दिख रहे हैं और एक पूरी पूर्ण अयोध्या जो है सामने जो लगा स्टेज जहां मुख्यमंत्री को आना है वो भी यहां से दिखाई पड़ रहा है। हर वो तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश ऊपर से हम कर रहे हैं जिससे अंदाजा लगे कि असल पर जमीन पर अयोध्या में इस वक्त माहौल क्या है। अयोध्या वासी हमारे साथ मौजूद भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अजय मिश्रा। अजय जी, ये जो नजारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है ये बताइए कि किस तरह का, इस तरह की तस्वीर पहले आपने देखी इस तरह से? मैंने कभी नहीं देखी, मैं तो यहीं का पला बड़ा हूं, यहीं पैदाइश है मेरी, ऐसा पहले कभी कुछ नहीं था। और समर्थ हम ये भी बता दें कि प्रभु श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण जी सब उस पुष्पक विमान से अब उतर चुके हैं। ये तस्वीरें यहाँ से सीधी जो हमारे सामने आ रही हैं, यहाँ रामकथा पार्क में भी उन तस्वीरों को दिखाया जा रहा है। देखिए आप लोग भी बैठ कर देखिए उधर। हाँ, तो ये सारे लोग बहुत उत्साहित हैं जी। आज तक पर भी वो अपनी तस्वीर चाह रहे हैं, वहां देखिए प्रभु श्री राम आ चुके हैं अपने भाई लक्ष्मण जी के साथ, सीता जी के साथ, वो सब वहां पहुंचे हैं। योगी जी वहां हैं, संस्कृति मंत्री वहां पर हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत, और उन सब के बीच ये देखिए बहुत ही सुंदर सुंदर दृश्य जहां पर उनकी अगवानी की जा रही है, उनका स्वागत किया जा रहा है, फूलों की वर्षा उन पर की जा रही है। ये बहुत बड़ी सुंदरता है ये हमारी संस्कृति की, जहां पर हम देखते हैं कि भले एक भूमिका निभा रहे हैं वो प्रभु का, लेकिन जब आप वो भूमिका निभाते हैं तो आप ये प्रयास भी करते हैं कि वो सारे जो गुण हैं वो आपके भीतर निहित रहे। आप कोशिश करते हैं मर्यादाओं के पालन की और यही कारण होता है कि हर एक व्यक्ति उनमें अपनी पूरी आस्था, अपनी श्रद्धा के साथ पूजन अर्चन करता है, उनकी आरती की जाती है। और अभी यहाँ जो मेरे सामने मंच है वहां पर उनका राज्याभिषेक, सांकेतिक राज्याभिषेक होगा। और एक और आप इस समय हेलीकॉप्टर देख रहे हैं, यानी पुष्पक विमान जो लैंड कर चुका है और अब एक और हेलीकॉप्टर जो कि यहाँ पर आ रहा है, देखिए पुष्प वर्षा करते हुए। अब यहाँ सबके ऊपर, प्रभु पर भी पुष्प वर्षा होगी और प्रभु के जो जितने भी भक्त हैं उन सब पर ये पुष्प वर्षा हो रही है। ये हेलीकॉप्टर अभी कुछ और चक्कर लगाएगा, यहाँ पर कुछ और चक्कर लगाएगा। अभी वहां पर आप गुलाब और गेंदे की पंखुड़ियां गिरते हुए देखिए, हर तरफ ये गुलाब और गेंदे की पंखुड़ियां गिरते हुए आप देख रहे हैं। और उसके साथ ही आगमन हुआ है प्रभु श्री राम का। कितना कितना ही महत्वपूर्ण ये वर्ष है जहां पर 500 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद, राम मंदिर के निर्माण के बाद, जन्मभूमि पर राम मंदिर के निर्माण के बाद ये पल आया है जब दीपोत्सव का ये पर्व बिल्कुल उसी अर्थ के साथ मनाया जा रहा है जैसा कभी त्रेता युग में मनाया गया होगा, जब अमावस की उस रात को रोशन किया गया था टिमटिमाते दीपों के साथ कि अपने प्रभु की प्रतीक्षा सब कर रहे थे। यहाँ बिल्कुल त्रेता की उसी तस्वीर को दोबारा दोहराने की कोशिश की जाती है। देखिए वो हेलीकॉप्टर जो पुष्प वर्षा कर रहा है, अभी वो अलग अलग घाटों पर भी, क्योंकि अलग अलग घाट है यहाँ, उन सब घाटों से होते हुए यहाँ गेंदे और गुलाब की पंखुड़ियों को बिखेरते हुए ये हेलीकॉप्टर अभी अलग अलग घाटों का भ्रमण करेगा ताकि जितने भी लोग
जो दीप प्रज्वलित कर रहे हैं, जो इस समय दीपोत्सव का हिस्सा बन रहे हैं, उन सब पर भी फूलों की वर्षा हो सके कुछ इसी रूप में। यहाँ जितने भी घाट हैं, जो समर्थ भी आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, वहां पर बिल्कुल संख्याबद्ध अलग अलग स्क्वेयर्स में दीपों को लगाया गया है। अभी हम आपको आज तक पर अयोध्या नगरी के अलग अलग रूप, अलग अलग हिस्सों के सारे दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर भी अभी जो वॉलंटियर्स हैं वो यहाँ पर आ गए हैं, जो कि जिन्हें दीप प्रज्वलित करना है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ यहाँ पर कुछ देर के लिए संबोधित करेंगे सभी लोगों को, तो उनकी बातों को सुनने के बाद वापस घाट की ओर जाएंगे। पीछे अगर आप देखें तो यहाँ पर सरयू नदी है और इसके साथ साथ जो घाट है वहां पर दीपों को प्रज्वलित किया जा रहा है। यहां से लेकर बिल्कुल गुप्तार घाट तक दीप ही दीप आपको दिखेंगे। और इस बार तो अभिषेक, एक और कोशिश ये की गई थी कि अपने अपने घरों में भी लोग दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। मैं आती हूँ आपके पास, उससे पहले देखिए एक बार और पुष्प वर्षा का एक और दौर यहाँ पर चलेगा, जहां पर रामकथा पार्क में ये गुजरता हुआ विमान लोगों पर पुष्प वर्षा करते हुए निकलेगा। और ये सारे जो पुष्पों की वर्षा यहाँ पर की जा रही है, एक अलौकिक दृश्य जो त्रेता युग की ओर ले जाने का एक प्रयास होता है अयोध्या वासियों को, अयोध्या नगरी को पूरी के पूरी। अभिषेक, इस बार जो एक कोशिश, एक और जो नई शुरुआत की गई कि लोग जो आए यहाँ पर उनके अलावा कोई घर बैठे भी एक दीप राम के नाम दान करे, और इसके साथ समूचे देश को जोड़ने का प्रयास। अभिषेक, बिल्कुल श्वेता, रामकथा पार्क में हम लोग मौजूद हैं और जो आपने बात कही एक दीप राम के नाम, एक दिया राम के नाम, क्योंकि इस साल राम अपने घर आए हैं, यानी कि भगवान राम अपने मंदिर में विराजे हैं, तो ये एक कैंपेन जैसा दिखाई दे रहा है। यूं तो पिछले साल से ही हमने इसकी शुरुआत देखी, लगभग हर घर में एक दीप भगवान राम के नाम शुरू हुआ था, लेकिन इसे बड़े कैंपेन के तौर पर दिखाया गया है। जिस तरीके से इसका प्रसारण इस बार हो रहा है, भगवान राम, सीता, लक्ष्मण, ये लोग जिस तरीके से पुष्पक विमान से उतरे हैं, और जो स्वागत अभी आपने देखा कि पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माल्यार्पण किया, दोनों डिप्टी सीएम ने किया, गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया, और उसके बाद राम भगवान और उनके साथ साथ उनका जो पूरा परिवार है, भगवान हनुमान और तमाम लोगों के साथ वो मंच की तरफ बढ़ चले हैं। लेकिन नयापन जरूर है इस बार, लोगों में उत्साह भी ज्यादा है, नए तरीके की अयोध्या है, बिल्कुल ऐसी अयोध्या जो नव्य और दिव्य अयोध्या है, और जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ऐसी अयोध्या लोगों ने हजारों साल के बाद, सैकड़ों साल के बाद देखी है। तो एक वो दौर था श्वेता जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था, वो दिन था, और आज वो दीपावली के पहले का जो दीपोत्सव है वो है, और हमें जो दिखाई दे रहा है वो साफ दिख रहा है कि इस बार का दीपोत्सव खास है, सिर्फ दीयों की वजह से नहीं, सिर्फ दीप की वजह से नहीं, बल्कि एक उत्साह है लोगों में। और लोग आज इस मंदिर में भी रात को जब यहाँ पर कार्यक्रम खत्म होगा, देर रात तक लोग मंदिर के दर्शन भी करेंगे, भगवान राम के दर्शन भी करेंगे। तो एक दिया राम के नाम, ये एक कैंपेन के जैसा दिखाई दे रहा है, कुछ उसी तरीके से जैसे दीपोत्सव में हर साल जो ये दिए हैं उनके कह सकते हैं उनके रिकॉर्ड तोड़ने की जो होड़ लगी रही है। तो 28 लाख दिए जलाए जा रहे हैं, अब देखना है कि इस बार का रिकॉर्ड क्या अगली बार टूटता है या नहीं, चूंकि ये पहला साल है, और इस पहले साल में यानी कि मंदिर निर्माण के बाद, मंदिर में विराजमान होने के बाद, हम दिखा रहे हैं अपने पीछे के दृश्य जहां पर लोग इंतजार कर रहे हैं मंच पे कि जल्द ही भगवान राम, सीता, माता सीता और लक्ष्मण सहित जो उनका पूरा उनकी जो पूरी सेना थी, जिसमें हनुमान और साथ साथ जब वो अयोध्या लौटते हैं तो भरत मिलाप का भी दृश्य भी सामने आया कि वो भरत से गले मिल रहे हैं, शत्रुघ्न से गले मिल रहे हैं। ये तमाम चीजें अब एक तो दिखाई दिया है, और कुछ देर के बाद 6 देशों की जो रामलीला है वो कुछ कुछ देर का, यानी कि तकरीबन 20-20 मिनट का मंचन इन सभी देशों के रामलीलाओं का होगा, और 8 बजे के बाद मुख्यमंत्री और जो दूसरे गणमान्य लोग हैं वो यहाँ पर उस रामलीला का कह सकते हैं देखेंगे, उसका अवलोकन करेंगे। श्वेता,
तो अगर हम समय के हिसाब से देखें तो यहाँ पर जो सूर्यास्त का समय है अयोध्या नगरी में करीब 5:20 के आसपास है, लेकिन संपूर्ण जब पूरी तरीके से अंधेरा होता है उसके बाद दीपों के जब प्रज्वलित होते हैं तो उनकी गणना आसान होती है। तो 30 लोगों का एक दल भी है गिनीज बुक की तरफ से जो यहाँ पर रहता है, जो ड्रोन के जरिए गणना करता है, और उसमें आपको केवल ये नहीं होता है कि 1 मिनट के लिए या 30 सेकंड के लिए, बल्कि पूरे 10 मिनट के लिए वो दीप सारे के सारे एक साथ जले रहने चाहिए, और अगर वो उतनी देर तक प्रज्वलित रहते हैं तो उसका असर होता है। देखिए एक बार फिर पुष्प वर्षा करता हुआ ये हेलीकॉप्टर जा रहा है और लोगों के बीच उत्साह ही उत्साह हो जाता है। लोग पूरी तरीके से उल्लास से भर जाते हैं क्योंकि उन्हें ये एहसास होता है कि उनके ऊपर अब कुछ पंखुड़ियां शायद गिरेंगी, और इसीलिए ये पूरा हेलीकॉप्टर चक्कर कर रहा है। समर्थ, जो बात हम कर रहे थे कि गणना भी उसकी होनी है, दीपों को प्रज्वलित ही नहीं करना है बल्कि लंबे समय तक प्रज्वलित रखना है, और ये बड़ी बड़ी जटिल प्रक्रिया है। वॉलंटियर्स को पूरी तरीके से प्रशिक्षित किया जाता है कब कैसे दीपों को लगाना है, उन दीपों को कैसे पानी में सोखा के रखना है, बाती लगाई जाती है, फिर अभी जैसे मेरा मैं समझती हूँ कि तेल उसमें डालने का काम चल रहा है। क्या चल रहा है इस समय दीपोत्सव के हिसाब से, उस कीर्तिमान के हिसाब से? समर बिल्कुल श्वेता, बड़ा कीर्तिमान है, विश्व कीर्तिमान है, हर साल अयोध्या स्थापित करता है, और इस साल 25 लाख दिए जलाने का काम है। जैसा कि मैंने बताया, बाती डाली जा चुकी थी, तेल डालने की प्रक्रिया चल रही है, शाम होते होते मुख्यमंत्री एक दीप जलाएंगे, उसके बाद ये 25 लाख से ज्यादा दिए यहाँ जगमगाने लगेंगे। तस्वीर आप देखें या टॉप व्यू से तो आप समझ पाएंगी कि यहाँ पर इस वक्त जो वॉलंटियर्स हैं वो किस तरह से दिन रात एक कर पहले दिया बिछाते हैं और फिर उसमें बाती डालते और हैं। ये देखिए जो रथ जा रहा है, राम जी का रथ जा रहा है, ये कोशिश उसकी रहती तस्वीरें है भी हम दिखा देते हैं। राम जी का रथ यहाँ पर जा रहा है जिसमें सवार होके राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी इसी रथ में सवार होकर निकले हैं, और यहाँ पर रामकथा पार्क में आगे यहाँ से होते हुए ये रथ, और देखिए यहाँ पर लोगों का पूरा उल्लास, सब जय श्री राम के नारे लगाने लगे हैं। अरे बड़े खुश हैं सब कि इस बार राम मंदिर के बाद दीपावली है जी, ये दिल खुश है सबका एकदम। यस मैम, बिल्कुल एकदम आ जाओ। किसी को किसी की बात समझ में नहीं आ रही है, लेकिन यहाँ पर सब इस बात का उल्लास जरूर मना रहे हैं, इस बात का उल्लास जरूर मना रहे हैं कि यहाँ पर आप देखिए राम जी वहां पर आ गए। पीछे हो जाइए थोड़ा, राम जी को भी दिखने नहीं दीजिए, पीछे हो जाइए। तो वहां देखिए रथ पहुंच गया है, अब राम जी उस रथ से उतरेंगे और आगे जाकर उनका राज्याभिषेक कराया किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर मंच पर, और आठ साल छोटा समय नहीं होता, 8 साल के इस पूरे अंतराल में दीपोत्सव एक ऐसा पर्व बन गया है, यानी छोटी दीपावली नहीं कहा जाता है, छोटी दीपावली जो एक समय में हम कहा करते थे कि छोटी दीपावली का पर्व मनाया जा रहा है, छोटी दीपावली नहीं है, ये दीपावली के ही स्तर पर एक आयोजन है जो आप यहाँ साल दर साल देखते हैं। अभिषेक, योगी आदित्यनाथ स्वागत वो करते हैं, माल्यार्पण उन्होंने किया, और अब आगे राज्याभिषेक की बारी है। अभिषेक बिल्कुल श्वेता, ये मेरे पीछे का जो मंच है अब पूरी तरीके से गहमा गहमी से भर गया है, और भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण ये अब मंच पर चढ़ रहे हैं। दर्शकों को जो ये तस्वीर है ये दिखाई दे रही है, और पहले माल्यार्पण किया है और अब आप मंच का दृश्य हम अपने दर्शकों के लिए दिखा रहे हैं कि भगवान राम के साथ माता सीता है, इसके अलावा अगर आप देखें तो लक्ष्मण है, गुरु वशिष्ठ है, ये तमाम जो प्रतीकात्मक चीजें हैं ये इस वक्त आपको दिखाई देंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक, और साथ साथ गजेंद्र शेखावत, ये सभी लोग मंच पर पहुंच चुके हैं। अब मंच पर उनका स्वागत होगा, उनकी आरती की जाएगी, और उसके बाद देखिए बकायदा उन्होंने मंच पर जो सिंहासन लगा है वहां पर पूरा राम दरबार सज सा गया है। आप देखेंगे कि जो
जिस तरीके से भगवान राम और 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 माता सीता ये दोनों बैठ चुकी हैं, जो गुरु वशिष्ठ हैं वो भी बैठे हैं, लक्ष्मण भी बैठ चुके हैं और अब कार्यक्रम शुरू होने वाला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब मंच पर आने वाले हैं और ये प्रतीकात्मक राज्याभिषेक की शुरुआत हो रही है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये पहुंच चुके हैं, इस वक्त अगर आप देखेंगे तो मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, मंच पर पहुंच चुके हैं। उनके पीछे तस्वीरों के साथ अपने दर्शकों को हम छोड़े जाते हैं।